गाइस, मैं शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। बाइक मैकेनिक रातों रात बन गया करोड़पति और जब वो अपना खाता चेक करने के लिए गया तभी ही ये भेद पूरा खुल के उसके सामने आया। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये हैरान कर देने वाला मामला। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार के छठवीं कक्षा में पढ़ रहे दो बच्चों के भी अकाउंट में काफी ढेर सारी राशि एकदम आ गई और उस दौरान ही ये बड़ा खुलासा होने के बाद जो सोनू सूद है उनका नाम भी उनके साथ जोड़ा गया। अभी एक और मामला जो है आगरा जिले से सामने आ रहा है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार इनके अकाउंट में कितना पैसा आया है और वहां पर बैंक मैनेजर का क्या कहना है, पुलिस कर्मचारियों का क्या कहना है और उस शख्स का क्या कहना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हमारे सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि कपिल कुमार नाम के एक युवक के अकाउंट में जो है काफी ढेर सारी राशि आ गई है और ये एक मैकेनिक है, यानी कि ये बाइक मैकेनिक है। बाइक मैकेनिक की आखिरकार कितनी आमदन होती है और अगर उसकी आमदन 15,000 भी हो तो वो आखिरकार 15,000 रुपए में भी अगर वो सेविंग करने वाला भी हो तो पूरा मंथ चला के अपने परिवार का खर्चा उठा के सिर्फ 1 या 2 हजार रुपया ही जमा कर सकता है और ये युवक के अकाउंट में इतनी सारी ढेर सारी राशि देखने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और बैंक मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका खाता था और उस दौरान ही कपिल कुमार 5,000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गया, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वहां पर जाने के बाद उसने एक फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उसने 5,000 रुपए निकालने का सोचा और 5,000 निकालने के बाद बैंक कर्मचारियों को उसने वो जो फॉर्म है वो दिया और जैसे ही इसे खाता नंबर डाला गया कंप्यूटर पे तभी वहां पर बैंक कर्मचारी काफी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके अकाउंट में जो है छह दिन में काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। 20 दिन में उसके अकाउंट में जो है वो 1,20,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है और ये खाता भी नया है। इसके बारे में जैसे ही बैंक कर्मचारी को पता चला तब उसने जल्द से जल्द सूचना जो है बैंक के मैनेजर को दी और बैंक के मैनेजर ने जैसे ही कपिल को इसके बारे में जानकारी दी कि तुम्हारे अकाउंट में इतनी सारी राशि और लेन देन किया गया है यूपीआई से, 60,00,000 रुपया पहले यूपीआई से किया गया और वापस भी वो पैसा आ चुका है, तो ये पैसा कहां से आया, जिसके बाद कपिल जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसको इस पैसे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और मैनेजर ये बात समझ गए और मैनेजर ने वहां पर उसकी चेकबुक ली और उसका खाता नंबर लिया और आधार कार्ड लिया और इस अकाउंट को जो है वो एक्चुअली में सीज कर दिया, यानी कि इस अकाउंट को बंद कर दिया कि कोई भी इस अकाउंट से पैसे का लेन देन ना कर पाए। इसी दौरान ही जब बैंक के उच्च अधिकारियों से बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताई कि इस अकाउंट ये अकाउंट जो है नया है पर नए अकाउंट में काफी ज्यादा लेन देन किए गए हैं और अभी पुलिस और बैंक कर्मचारी जो है वो लगातार इस चीज की पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार ये ऐसा आ कहां से रहा था और इसके अकाउंट में कैसे आया। सब लोग अभी शक के घेरे में हैं, अभी सब डिसीजन आने बाकी हैं। जैसे ही इस चीज का डिसीजन आता है पुलिस जो बोलती है हम आप तक उसकी वीडियो जरूर पहुंचाएंगे अपनी वीडियो के जरिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।